मेरे सब बसी बोर से ले काली कार बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार ये बट खान पीते पंगे जान जा लेंदे असि बैठे आ बठाया बंदे उठने नहीं देंदे लेंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली कीड़ा करता है तंग मैनू दस बल्ली साडे मैट्रिक च आउंदी ना प्लस बल्ली करता है तंग सभी के वेलकम बैक टू डे अनदर वीडियो। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे इंस्टॉल करें क्वांट वी 3.0 विद रेन ड्रॉप फीचर के साथ। यार मैंने कल बैठ के सही बता रहा हूँ 6 घंटे सिर्फ इसी को देखा कि ये कैसे इंस्टॉल हो फ्री में। भाई मैंने इतने मॉड्स लगाए कोई मुझे मॉड मिल ही नहीं रहा था, लेकिन फाइनली पूरे 6 घंटे के बाद मुझे वो मॉड मिल गया क्वांट वी का 3.0 फ्री वर्जन। और मैं फेक वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको प्रूफ भी दिखा देगा। देखो मेरा GTA 5 बैकग्राउंड में खुल रहा था, मैं ना इसे चला के दिखा देता हूँ कि देखो वही वाला वर्जन है सेम जो मैंने आपको शुरू में गेम प्ले दिखाया था। वो मेरी ही पीसी का गेम प्ले था, मैंने कहीं और से उठाया नहीं था, सेम वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा बहुत वेदर चेंज करके। ये देखो मैं टाइम चेंज करके दिखा देता हूँ, वेट अ सेकेंड। ये देखो ठीक है सेम वही वर्जन है, मैं कोई वो नहीं कर रहा सेम। ठीक है चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करें। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये सबसे पहले आपको ये 5 चीज़ें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 ही है ना, ये 5 चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक ये ओपन आईवी की मिल जाएगी, ओपन आईवी नीचे जाना क्लिक एयर क्लिक करना। ये देखो मैंने भी डाउनलोड भी करी थी और यहाँ पे क्लिक एयर करके डाउनलोड कर लेना। पैक फाइल लिमिट रजिस्टर डाउनलोड, हीप लिमिट रजिस्टर डाउनलोड, गेम कॉन्फिग डाउनलोड। ये डाउनलोड करने के बाद मैं आपको एक और लिंक दूंगा जो होगी क्वांट वी 3.0 की, और वो गूगल ड्राइव की लिंक होगी, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है मैंने अभी अपलोड नहीं करी है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अपलोड करके आपको गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा। सिंपली कुछ नहीं करना, कुछ पासवर्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक्सट्रैक्ट एयर इन सब चीज़ों को भी एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है ये जो 3 मैंने डाउनलोड करवाई थी और जो आपका मैंने ये ओपन आई भी करवाया था, इसको इंस्टॉल कर लेना, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी खोलनी है। ठीक है जहाँ पे आपका ये इंस्टॉल है GTA 5, फिर लिमिट एडजस्टर को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, लिमिट एडजस्टर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, गेम कॉन्फिग को एक्सट्रैक्ट कर लिया और अपना पैक फाइल को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है सबको एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है, हीप एडजस्टर को उठाना है, मेन डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है। मेरा ऑलरेडी पेस्ट है तो मैं नहीं कर रहा, अब इसको उठाना है पेस्ट कर देना है। ठीक है अब ये हो गया, ये दोनों चीज़ हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आ गया GTA 5 कॉन्फिग। ठीक है इसको खोलना और यहाँ पे अपनी मेन डायरेक्टरी में GTA 5 एप्लीकेशन पे आके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना। और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है डिटेल्स में जाके कि ये फाइल वर्जन कौन सा है आपका। मेरा देखो 1.0.2802 है जो मेरा यहीं पर दिखा रहा है 1.0.2802। अगर आपका वर्जन ये नहीं है, कोई सा भी है आपके पास ओल्ड वर्जन है, तो आप यहाँ पर जाना, यहाँ सारे वर्जन दिए हुए हैं। यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मेरा ये वर्जन है ठीक है, फॉर मोर मोड्स ये बहुत सारे होंगे, सब कुछ छोड़ दो, ये तुम्हारे ट्रैफिक के ऊपर है, इतना दिमाग तुम्हारे अंदर भी होगा। स्टॉक ट्रैफिक जो अपना GTA का बेसिक वाला है उस पर जाना और गेम कॉन्फिग को उठा के सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, कुछ नहीं करना, हमारा खेल खत्म। अब आपको क्या करना है ठीक है, ये सारा जनरेट नहीं बढ़िया, अब आपको अपना पॉइंट भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है पॉइंट भी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको खोलो, कि मैंने डबल फोल्डर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं डबल फोल्डर में हमेशा एक्सट्रैक्ट करता हूँ चीज़ें, वो मिक्सअप नहीं हो जाए।
तो इसको खोल लेना है, उसके बाद जाना है और अपना ओपन आईवी ओपन कर लेना है। ठीक है, मेरा ओपन आईवी मैंने खोल रखा है, सिंपली जाके अपना ओपन आईवी कर लेना है, GTA 5 पे क्लिक करना और ओपन आईवी आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन कॉन्ट भी पाना है, इधर आके सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे ओपन आईवी में टूल्स पे जाओ, ESI मैनेजर होगा और ये आपके अनइंस्टॉल ये दिखा रहा है मेरे में, ये आपके में इंस्टॉल लिख के आ रहा होगा, इन सबको इंस्टॉल कर लेना क्लिक करके। देखो ऐसे इंस्टॉल आ रहा होगा, इंस्टॉल 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 तीनों को इंस्टॉल करना। ये देखो ऊपर एडिट मोड है, एडिट मोड को ओपन करना और ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, इसको सिंपली आप इंस्टॉल कर लो अपने मॉड्स फोल्डर में। ये आपको पता होगा अगर आप मॉडिंग कर रहे हो तो हमने मॉड्स फोल्डर क्यों बनाया है, अगर नहीं पता तो दूसरी वीडियो देख लो या फिर कमेंट में बता देना, मैं इसकी पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा, मॉड्स फोल्डर क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना है, सिंपली सब छोड़ दो, अब ऑप्शनल पे आ जाओ, ENV परफॉर्मेंस एंड प्रीसेट, इसमें आएगा अपना वेरी हाई डिफॉल्ट पे, इसको जाओ ड्रैग एंड ड्रॉप और वही मॉड्स फोल्डर में कर दो इंस्टॉल। मेरा पहले से इंस्टॉल है, मैं इसलिए इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा, मैंने गेम प्ले भी आपको दिखा दिया, आपको प्रूफ भी दिखा दिया। अगर आपका PC कुछ ज़्यादा ही हाई है, हाई पर भी कर सकते हो, अल्ट्रा भी कर सकते हो, या फिर बहुत लो है तो आप नो ENV जा सकते हो, पर इससे नो ENV से आपके जो रेन इफेक्ट है वो सब नहीं आएंगे, मिनिमम आपको लो या मीडियम तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा अगर आपका लो एंड PC है तो, नहीं तो वेरी हाई पे चले जाओ। अगर डिसेंट PC है, मेरे पास i9 है 12th जन एंड RTX 3060, तो मेरा सही परफॉर्मेंस दे देता है 50-60 FPS के बाद आराम से। अब आपको अब जाना है ऑप्शनल प्रीसेट्स में, यहाँ से जो भी आपका मूड करे, जो भी आपको देखना हो वो इंस्टॉल कर लो, ठीक है, इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइक विजुअल प्रीसेट में जाके कैमरा लेंस वगैरह है, ब्राइटर इमरजेंसी लाइट्स हैं, ये सब बेकार है, ब्लू लेंस अगर आपको ऐसा लगे कार की जो हेडलाइट है वो ज़्यादा ब्लू रोशनी फेंक रही है तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो, इंस्टॉल ड्रैग एंड ड्रॉप, सब ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, जो आपका मूड करे वो कर लो। ये पडल्स कवरिंग फुल ग्राउंड फ्लोर ये जरूर कर लेना इंस्टॉल, ये जो मैंने रिफ्लेक्शन देख रहे थे ना मेरे गेम प्ले में, जो मेरे गेम प्ले में पानी की पूरी रिफ्लेक्शन आ रही थी रोड पे, वो इसकी वजह से था, मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है। जाओ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, और जो थोड़ी बहुत गाड़ी की क्वालिटी अच्छी आ रही थी वो सी ये है, V-Shade मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये जाओ इंस्टॉल कर लो, रिड्यूस व्हीकल साइड मार्क्स ये भी मैंने इंस्टॉल कर रखा था, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट, सब कुछ काटो, गेम को ओपन करो, इंजॉय करो। ये देखो मेरा ENV इंस्टॉल हो गया, और जो मेरा रीशेड है वो आप रीशेड का अगर बताओ तो मैं आपको रीशेड भी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे कोई मतलब ग्राफिक्स एनहेंस हो जाती हैं बट इससे ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये देखो गाइस सिंपली मेरा गेम खुल गया, मैंने अपना सेव कर रखा था, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको और मेरे ऐसे सेम टू सेम अगर ग्राफिक्स क्वालिटी चाहिए तो शिफ्ट प्लस एंटर साथ में दबाना, आपका ये ओवरले खुलाएगा और ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा मैंने टिक लगा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इन सबको जाओ और यहाँ यहाँ टिक लगा लो बस, और कुछ नहीं करना आपको। ये देखो आप इसे ऑन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, डेप्थ ऑफ फील्ड आ जाएगा, सरफेस स्कैटलिंग आ जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा गेम आपका, इसे वाइडनिंग कम हो जाएगी, ये सब आप ऑन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और अगर आपको ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स मेरी स्क्रीन पे आ रही हैं ये चाहिए या नहीं चाहिए, अगर ये नहीं चाहिए तो शिफ्ट प्लस एंटर दबाना, आप यहाँ पे साइड में आ जाओगे तो आपको ये खोल लेना है ENV पोस्ट बार, इसमें आके देखो स्क्रीन रेट ड्रॉप देना, इसको बंद कर देना तो आपकी स्क्रीन पे जो ड्रॉप्स हैं वो चली जाएंगी, यहाँ से आप उसको कम बढ़ती भी कर सकते हो अगर आपको कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए ड्रॉप्स स्क्रीन पे, वो भी आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हो। और अगर आपकी फिर भी ये नहीं आ रही हो तो सेटिंग्स में जाना, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है ग्राफिक सेटिंग्स, और अपना जो आपका ये पोस्ट इफेक्ट्स है इसको या तो वेरी हाई करना है या फिर करना है अल्ट्रा, ठीक है, ये दो कर लोगे आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आ जाएंगी, और कुछ नहीं, बस जाओ और एंजॉय करो, जल्दी से जाओ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियोस मॉड्स वाली और अगर आपको चाहिए और ये भी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।